नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाणिज्यिक सब्जी की खेती के तहत अधिक क्षेत्रों को लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरा से कृषि की आधुनिक प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए घंटे की आवश्यकता है। यह बात निदेशक कृषि कश्मीर सैयद अफताफ एजाज अब्बादरी ने पाटलिपोर जिले के पुलवामा में नए अपनाए गए सब्जी क्लस्टर के किसानों के साथ बातचीत के दौरान कही। निदेशक ने कहा कि इस गांव में सब्जी उगाने की व्यापक संभावनाएं हैं। वो किसानों के द्वारा केवल मटर की फसल पर चालू सीजन के दौरान 1,20,00,000 रुपए की आय अर्जित की गई है। निदेशक कृषि ने कहा कि हम सब्जी उत्पादन की उचित उपज क्षमता तक पहुंच चुके हैं। अब अधिक लाभ कमाने के लिए ब्रोकोली, अजमोद व अन्य किस्मों की तरह विदेशी और उच्च मूल्य वाली सब्जी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न समूहों सोसाइटी को बनाकर सब्जियों के विपणन को बढ़ावा देने और उत्पादों की ब्रांडिंग और आकर्षण तरीके से लेबलिंग और पैकेजिंग पर जोर दिया। क्योंकि जिम्मेदार भाई ने इतना कॉपरेट किया हमारे साथ कि हमने लैंड कन्वर्शन जो यहाँ पर हो रहा था पहले, ये इसे टिपिकल लैंड कन्वर्शन कि पैडी लैंड था, पैडी लैंड से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आई कि उन्होंने कहा कि नो वी मस्ट प्रायोरिटाइज वही क्रॉप्स को करेंगे जिसमें इसमें का पोटेंशियल हो। सो पोटेंशियल को देखकर हमने उनको रिकमेंड किया कि आप मटर की खेती कर लीजिए, इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद ही यहाँ पर देखने आया, इस वक्त तक एक छोटे से गांव में 1,20,00,000 रुपए की सेल हुई है। दैट्स ऑल कैश, बट दैट मींस कि हाउ मच इट विल कंट्रीब्यूट इन दियर इकोनॉमीज एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। हम ये चाहते हैं कि और ये कहते हैं कि सारा इलाका ही हम तकरीबन यहाँ पर 1,800 कनाल का ज़मीन मतलब राजी अवेलेबल है and they want to just cultivate all the exotic vegetables as well. हमने उनको ऑलरेडी अभी ये किया है कि हम उनको पॉलीग्रीन हाउसेज जो जो भी उनको महकमे की तरफ से चाहिए वो सारी फैसिलिटीज और बैकअप हम उनको करेंगे ताकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन में एक सुधार आ जाए। वो एक नया क्लस्टर जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं बना था, अब उसको हम बनाने की। यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता ने कहा कि एग्जिट पोल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो नतीजे आएंगे पूरे मुल्क के लिए होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के साथ पूरे देश में जो दहशत का माहौल बन गया है, मायूसी बन गई है। जैसे एग्जिट पोल नहीं, जैसे कोई टेरर क्रिएट हो गया है, पूरे मुल्क में दहशत फैल गई है। पोल हो, एग्जिट पोल हो, प्री एग्जिट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो नतीजे आएंगे वो पूरे मुल्क के लिए होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के साथ जो पूरे मुल्क में एक दहशत का माहौल बन गया, मायूसी का बन गया और लोग घबराए हुए हैं बुरी तरह। ये एग्जिट पोल नहीं, ये जैसे कोई टेरर क्रिएट हो गया पूरे मुल्क में, दहशत फैल गई है। ये जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक अलामत है, इंतहाई अफसोसनाक अलामत है, इंतहाई तबाहकुन अलामत है। चुनाव एक नॉर्मल चीज़ है, हम सबका वतन है। एक सरकार आई, दूसरी चली गई, दूसरी आई, तीसरी चली गई, सत्ता बदल गई, किसी को क्या परेशानी। लेकिन एग्जिट पोल से जो दहशत फैली है, जो मायूसी और जो अफसुर्दगी का माहौल है, हर शख्स परेशान है कि जाने क्या होने वाला है। वो एक अंग्रेजी कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले का सन्नाटा। वो कौन सा तूफान आने वाला है जिसकी वजह से ऐसा सन्नाटा पसंद गया? लोग क्यों मायूस हो गए? लोग क्यों दहशत ज़दा हो गए? लोग क्यों डर गए इस एग्जिट पोल से? न जाने क्या होने वाला है। यूपी के शाहजहांपुर में शादी बारातों में नाचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले युवक ने पुलिस को शिकायत की है। कुछ किन्नरों ने उसका गुप्तांग काटकर उसे किन्नर बना दिया। युवक का आरोप है कि कुछ किन्नर उसको जबरदस्ती उठाकर ले गए और नशीला पदार्थ पिलाकर उसका गुप्तांग काट दिया। जब युवक ने अपना गुप्तांग गायब देखा तो उसने होश उड़ गए। युवक ने किसी तरह किन्नरों के चंगुल से छुटकर अब घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं पुलिस ने भी युवक की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टार था, फिर से युवक लाया गया, उम्र करीब 30 साल है और इसका जो है जेंटल ऑर्गन अपडेट कर दिया गया, जैसा कि इसको बताया मेडिकल कर दिया है, इलाज करने की बात है। क्या कंडीशन उसकी? सेव द टाइगर के अलग जगाने 13 देशों की यात्रा पर बाइक पर निकले वेस्ट बंगाल के दंपति बहराइच पहुंचे। इस मौके पर यहां उन्होंने लिटिल एंजल स्कूल के बच्चों को जागरूक किया। दंपति ने बताया कि वो बाड़मेर दिन पहले यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने फॉरेस्ट क्षेत्रों में भ्रमण कर टाइगर को बचाने का संदेश दिया। जंगल रक्षा एवं जंगल जीव जंतु के रक्षार उद्देश्य हमारा ये यात्रा शुरू करेछि।
আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে 15 ফেব্রুয়ারি। আমরা নর্থ ইস্ট মানে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, অরুণাচল হয়ে বিহার হয়ে এখন ওসব হয়ে আমরা আবার কলকাতায় ফিরবো। এটা হলো আমাদের ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট আমাদের যাবে যেটা আমরা দেশের বাইরে যাব। ইউপি মে তো কই অর্গানাইজেশন কো মে জানতা নি, মেরা ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট মে মিস্টার ভগবান দাস লখমানি থে, তো জেসে মানে বোলা যে হাম ইউপি মে জায়েঙ্গে, হমকো স্কুল প্রোগ্রাম করনা হ্যায়, তো সাথ সাথ লখমানি জি নে হমকো বাতায়া যে কাতরানিয়া ঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব নাম কা উনকা এক অর্গানাইজেশন হ্যায়, বোলা যে আপ ইহা পে জরুর আইয়ে, হমলোগ দেখিয়ে সবসে বড়া বাত হ্যায়, কহীঁ পে হম যা রহে নয়া আদমি, হম কিসি কো নেই জানতে, ওহীঁ পে কিসি নে মতলব এক বোতল ঠান্ডা পানি, এক স্কুল প্রোগ্রাম, আজ জেসে হমলোগ কাতরানিয়া ঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব কে সাথ মে লখমানি সাহেব কে সাথ মে হমলোগ জো প্ল্যান্টেশন কিয়া, ये काफी अच्छा है। मतलब हरदोई के विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि मतगणना के समय कोई समस्या ना हो। इस दौरान सीडीओ आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता व अपर जिलाधिकारी संजय सिंह की मौजूदगी में निर्देश दिया गया कि मतगणना कार्य को सक्रिय, सतर्कता, निष्पक्षता व समयबद्धता से करें। आज यहां पर ईटीपीवीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी ईटीपीवीएस के काउंटिंग सुपरवाइजर, गणना सहायक और इसी प्रकार से डाक मतपत्रों के सुपरवाइजर और गणना सहायक उपस्थित हैं। सबको सभी नियमों के बारे में बताया जा रहा है, कैसे गणना की जाएगी ये बताया जा रहा है और किस प्रकार से निष्पक्ष रहते हुए पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है, इससे परिचित कराया जा रहा है। नालकुंटा पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 90 ग्राम गोल्ड और 192 ग्राम सिल्वर आर्टिकल्स बरामद किए हैं। वहीं दूसरे केस में पुलिस ने 250 ग्राम सोने के सिक्के भी बरामद किए। बता दें आरोपी को लोग सन की रामू के नाम से जानते हैं। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 1,80,000 रुपए आकी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से 2 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का डिटेक्शन हुआ और दोनों बहुत रिकॉर्ड समय में अरेस्ट ऑफ बोथ क्रिमिनल्स। पहला केस जिसमें कि नलकुंटा पुलिस स्टेशन के तरफ से एक नोटोरियस हाउस थीफ जिसका नाम है संकी रामू। हरियाणा के रेवाड़ी में महात्मा बुद्ध की जयंती मनाई गई। इस दौरान अंबेडकर चौकी से लेकर रविदास मंदिर तक महात्मा बुद्ध की मनमोहक झांकियां निकाली गई। इसमें महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। यूपी के रामपुर में प्रेमी युवक ने फिल्मी अंदाज में छात्रा का अपहरण कर अलीगढ़ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता द्वारा मामले से परिजनों का अवगत कराने पर परिजनों में खलबली मच गई। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने पर पुलिस ने आरोपित युवक समेत 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और युवती को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं इस मामले में सीओ केमरी ने कहा कि पीड़ित छात्र की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि एक छात्रा है जो बीएससी की छात्रा है, जिसने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है कि अलीम ने मेरे साथ में रेप किया है। अलीम जब वो छात्रा स्कूल से आ रही थी, रास्ते में रोक लिया था उसको, अलीम और 2 साथी और 2 लोग और थे जो उसको अपहरण करके ले गए। इस संबंध में उक्त छात्रा द्वारा थाना बोट में मुकदमा पंजीकृत करा 366-376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। यूपी के सीतापुर में ग्रामीणों ने चोर को तालिबानी सजा दी। यहां ग्रामीणों ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर चोर को बेरहमी से पीटा। दरअसल युवक भय से चोरी कर ले जा रहा था, तभी कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं आरोपी ने 1 माह पहले भी इस गांव से भैंस चोरी करने की बात कबूली है। यूपी के दादरी में घोड़ों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कमेटी के अध्यक्ष राजेश पहलवान मौजूद रहे। यहां डीजे की धुन पर घोड़ा और घोड़ियों में ऐसा डांस किया कि सब लोग देखते रह गए। डीडवाना शहर में गुजरने वाले मेगा हाईवे पर कोलिया के पास कार और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डीडवाना अस्पताल एम्बुलेंस कर्मी के अनुसार कोलिया गांव के पास बाइक और ऑल्टो कार में भिड़ंत हो गई,
जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से डीडवाना बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की बाइक सवार की पहचान सीकर निवासी बजरंग व अजीतगढ़ निवासी दीपक के रूप में हुई है। दोनों ही युवकों का डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। फेसबुक पर नालागढ़ के जाने माने गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर की फेसबुक चैट वायरल होने के बाद खलबली मच गई। आपको बता दें, सुबह से फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें नालागढ़ के आकाश हॉस्पिटल के एमडी भूपेश गुप्ता द्वारा किसी लड़की को नौकरी के एवज में अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित द्वारा प्रशासन से न्याय की मांग की गई है। वहीं जब इस बारे में आकाश हॉस्पिटल के एमडी से बात की गई तो उन्होंने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी आईडी हैक कर ली है और उसके पश्चात ये मैसेज भेजे गए हैं। उस साथ ही एमडी द्वारा नालागढ़ थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। 18-20 साल से हूँ और मैं लेडी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी आईडी जो है ये 7 दिन पहले हैक हो गई थी, फिर मैंने नई आईडी बनाई तो वो भी किसी ने हैक करके ये कुछ किया है कांड। मैंने इसके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी है कि मेरी पहले एक आईडी क्रैश हो गई और दूसरी हैक हो गई, और ये जो भी है ये सारा का सारा किसी हैकर का काम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसे कड़ी होनी चाहिए। मैंने साइबर क्राइम के लिए ये अपनी एप्लीकेशन दी है अभी पुलिस स्टेशन नालागढ़ में, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट कम्स आउट, एंड वी आर ट्राइंग टू कांटेक्ट दैट गर्ल आल्सो, है ना। एटा में दहेज लोभी ससुराल जनों द्वारा पत्नी और उसके पिता की रस्सी से बांधकर हथौड़े और रॉड से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने हत्या के आरोपी सास ससुर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या के मामले में आरोपी पति समेत 9 लोग नामजद हैं। SSP ने घटना के मुख्य आरोपी पति पारस गुप्ता समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की हैं। गौरतलब है कि शनिवार की देर रात्रि थाना अलीगंज के किला रोड स्थित पलटन टोला में दहेज के खातिर बेरहमी से किए गए इस डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पति समेत सभी ससुरालजन मौके से फरार हो गए थे। हम लोगों को सूचना मिली थी कल तड़के लगभग 2 बजे इस तरीके से वहां पर एक गंभीर घटना हुई है, और मौके पे ही तत्काल हमारे SOCO मौके पे पहुंचे और वहीं पर आम जनमानस के सहयोग से 3 अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। ये प्रकरण जो है ये अपने आप में एक गंभीर प्रकरण है, जिसमें लड़की के साथ साथ लड़की के पिता की भी हत्या कर दी गई अभियुक्तों द्वारा। किसी बहाने से उन्हें बुलाया गया और हत्या कर दी गई, इसका हमने संज्ञान लेते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई की है। इसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, उसमें से 3 की ऑलरेडी अरेस्टिंग हो चुकी है और बाकियों की अरेस्टिंग भी साक्ष्य के आधार पर बहुत जल्दी। बीती 14 मई को नेशनल इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य मदन कुमार उसके साथी मोहित कुमार के हुए अपहरण का पुलिस स्वाट टीम ने खुलासा कर दिया। खुलासा होते ही सबके होश उड़ गए। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया तो उप प्रधानाचार्य का साथी ही उसके अपहरण का मास्टरमाइंड निकला। अपहरण के मास्टरमाइंड मोहित ने सुनियोजित तरीके से अपने साथियों संग मिल नेशनल इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य मदन कुमार के अपहरण की साजिश रची थी, और 15 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास इनको घायल अवस्था में अपराधी छोड़ गए थे ईशरी पुल पर, जिसका इलाज कराया गया था और इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। अज्ञात में घटना से चालक का नाम प्रकाश में आया, इसमें एक साथी इसका मोहित यादव है और एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला के ले गया था रोहित कुमार, और इसके अलावा एक फौजी है विनय फौजी और एक पवन बच्चा बाबा। संभल में खाकी का खौफ मानो खत्म सा हो गया है। बदमाश दिन दहाड़े लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला चंदोली कोतवाली इलाके के गुमथल चौराहे का है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की कार रोककर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच की दिन दहाड़े हुई फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। पूरा मामला चंदोसी कोतवाली इलाके का है। दरअसल मृतक पूर्व प्रधान और प्रॉपर्टी व्यवसायी था। एक 40 वर्षीय व्यक्ति की दिन में 2:45 बजे के आसपास गुमथल रोड पे हत्या कर दी गई, जिसमें कार से जा रहा था और 3 बाइक लोग आए बाइक से और उनको गोली मार करके हत्या की गई है। ये जरगांव बनियाठेर थाना क्षेत्र के निवासी थे। इस संबंध में तहरीर आ रही है, जिस तरह उसमें कार्रवाई की। क्या काम करते थे मृतक? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, इसके अलावा और भी राजनीति से भी जुड़े हुए थे और कई तरह के ऐसे
पारस्परिक शत्रुता की बात सामने आई है, कई लोगों से लेन देन का भी विवाद था, इस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह से भी चीजें आएंगी आपको। सुदृढ़ कानून व्यवस्था में अपराधियों पर नकेल कसते हुए एक बार फिर अपराधियों पर एटा पुलिस का हंटर चला। एटा पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक और ऑपरेशन नॉकआउट की बड़ी सफलता के बाद बीते 24 घंटों में अपराधियों पर चलाए गए ऑपरेशन नॉकआउट पार्ट 2 के तहत 5 शातिर इनामिया व 2 जिला बदर समेत 103 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष तौर पर क्योंकि आचार संहिता लगी है, चुनाव का समय है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक ये अभियान, जो इस श्रेणी के अभियानों में चौथा ऐसा अभियान है पिछले 3 महीने में, जिसको हमने ऑपरेशन नॉकआउट पार्ट 2 का नाम दिया है, इस पर हमने कल पूरे दिन भर का 24 घंटे का अभियान चलाया। इस अभियान में 4 बिंदुओं पर कार्रवाई अपेक्षित थी, जिसमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, MDW वारंटी की गिरफ्तारी, इनामिया व जिला बदर की गिरफ्तारी। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहाँ परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, इसके चलते डॉक्टर इमरजेंसी छोड़ भागे। दरअसल मरीज को पेट के समस्या के चलते भर्ती कराया गया था, वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत करवाया। यह पूरा मामला नगर कोतवाली के जिला अस्पताल का है। यूपी के मैनपुरी में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दरअसल यहाँ पीड़िता के पति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जब मृतक की पत्नी ने शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो मृतक अनुज शर्मा के परिजनों ने अनुज की पत्नी के साथ मारपीट की और उसके साथ पहुंची और महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की। वहीं जब पीड़िता अपनी शिकायत देकर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उनको लताड़कर भगा दिया। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नवतेश टीवी। 21 मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों और आतंकी हिंसा से दूर रखना है। इसी उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमरेली के जिला डूंगर नामक गाँव के JN मेहता हाई स्कूल में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस मौके पर डूंगर के PSI VV पंड्या और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। गुजरात के अमरेली से भरत भाई खुमाण की रिपोर्ट। यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक चांदी व्यवसायी से स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बदमाशों ने व्यवसायी को कार से कुचलकर मारने का भी प्रयास किया। इस दौरान व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को रेनबो अस्पताल में भर्ती कराया।